सबसे पहला सिन, पहला पाप, एंगर, क्रोध। राघवेंद्र बारोट, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारा गुस्सा। तुम्हारे गुस्से का इस्तेमाल करके तुम में इतना बारूद भर देंगे हम कि पूरी बारोट फैमिली तुम्हारे गुस्से की वजह से ब्लास्ट हो जाएगी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमुच्छिय मामृतात्। ओम ह्रीं महारुद्राय स्वाहा। दूसरा पाप मोह, अफेक्शन। मानवेंद्र, बहुत प्यार है ना तुम्हें अपने अपनों से। मैं उन्हीं अपनों को एक एक करके तड़पा तड़पा के खत्म कर दूंगा। तुम्हें तुम्हारा अकेलापन ही तुम्हें खत्म कर देगा। सामवेंद्र, या क्या कहूं मैं तुम्हें, कामवेंद्र। योर सिन, वासना, लस्ट। तुमसे ऐसी गलती करवाऊंगा कि पैरों तले जमीन का तो पता नहीं, मगर तुम्हारे सिर से राणक के पैलेस की छत वो गायब जरूर हो जाएगी। चौथा पाप लोभ, ग्रीड। वैसे तुम में तो सातों पापों के गुण है स्वाति लेखा, मगर राणा के ताज के लिए लालच तुम्हारा तुम्हें अंत की कगार तक लेकर जाएगा। और उस कगार पे धक्का भी मैं ही दूंगा। मेरे इशारे पे नचाऊंगा तुम्हें। पांचवा पाप तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा नाम, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा रुतबा, एक एक करके तुम्ही से छीन लूंगा और वही होगी तुम्हारी मौत। शिवेंद्र बारोट, हे भगवान, अच्छा और बुरा वक्त तो सबकी लाइफ में आता है, लेकिन प्लीज इस बुरे वक्त का सामना करने की शक्ति देना, हमें रास्ता दिखाना ताकि हम सब कुछ फिर से पहले जैसा कर सकें। पहले जैसे तो अब कुछ भी नहीं होगा शिवेंद्र बारोट। तुम अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान समझते हो ना, वेरी इंटेलिजेंट। मैं तुम्हारा विनाश करने के लिए तुम्हारी बुद्धि को ही विपरीत कर दूंगा। खत्म कर दूंगा तुम्हें तुम्हारी बुद्धि के साथ ही, और वो सब कुछ ले लूंगा जो कि मेरा है। विल पावर, दृढ़ निश्चय। तुम्हारे इसी विल पावर के तो दीवाने हैं। थैंक यू सो मच बाबा जी, आपकी मेहर से मैंने पैलेस में छुपे दुश्मन को ढूंढ निकाला और अपनी फैमिली को भी बचा लिया। मगर तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा सुरीली? तुम्हारी ताकत, तुम्हारा प्यार है ना शिव के प्रति, हम उसी प्यार पे वार करेंगे। अलग कर देंगे तुम दोनों को। तुम मेरी लिस्ट में लास्ट से ही, मगर मेरी सक्सेस की चाबी तुम ही हो। बारोट परिवार के बर्बादी का आगाज और मेरे बदले की शुरुआत तुम ही से होगी सुरीली। रानी साहिबा, हवन संपन्न हुआ। अब आपको यह सामग्री नदी में प्रवाहित करनी होगी। धन्यवाद पंडित जी। मान, पंडित जी को दक्षिणा दीजिए। बहुत टायरिंग डे, बहुत थक गए हैं हम, रेस्ट करने चले गए। सुरीली, हमें कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है आपसे। कर सकते हैं? हम इस सामग्री नदी में बहा कर आते हैं, उसके बाद आपसे बात करेंगे। आप हमारा वेट करिएगा। शेफ भी ना इंपॉर्टेंट पेपर्स पता नहीं कैसे रखते थे। डिवोर्स पेपर्स, मतलब शेफ जो मुझसे बात करना चाह रहे थे वो डिवोर्स के बारे में। जन्मों का वादा किया था हमने और 7 हफ्ते भी नहीं निभा पाए रिश्ते। आपको मुझसे डिवोर्स चाहिए ना शेफ? सो यही से घर को बचाने का यही रिवॉर्ड मिला है ना, तो यही सही मिस्टर शिवेंद्र सिंह बारोट। क्या करें, आपको देख लेंगे। परंपरा निभा रहे हैं इस महल के बड़े से दुनिया में एक छोटी सी दुनिया। वेलकम टू माई वर्ल्ड मिस सुरीली। पहला प्यादा, माई फेवरेट सुरीली। पाप, विल पावर। क्या कैफे में शॉर्ट सर्किट हुआ है, आप जल्दी आइए। हाँ। अरे बाबा जी, ये क्या हो गया? क्या हो गया मम्मा? कैफे में शॉर्ट सर्किट हो गया है। शॉर्ट सर्किट? हाँ, बाबा जी की मेहर है कि आग नहीं पकड़ी। ऐसे आप दोनों को कैफे जाना चाहिए। जुजू अंकल के अकेले की बस की बात नहीं है। ना सिल्ली, तुझे ऐसी हालत में छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे। तेरी तबीयत ठीक नहीं है? वैसे मैं ठीक हूँ और वैसे भी थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना ठीक होने में। आप दोनों जाइए, आप दोनों की जरूरत है। हम बस यूं गए और यूं आए। तो अपना ख्याल रखना प्लीज। देख, घबराना नहीं, कोई बात हो ना फोन कर लेना। हाँ, चल। कौन? Excuse me, can I get one decaf, please? कमाल है, आप यादों को भुलाना चाहती हैं। एंड ऑल आई वॉन्ट इज किसी तरह उन यादों का सहारा मिल जाए। हमें ऐसा महसूस होने लगा है कि तुम वो सुरीली नहीं हो जिसे हमने शादी की थी। शायद हमने कुछ मुलाकातों को प्यार का नाम दे दिया और शादी कर ली। बस स्टॉप इट प्लीज, कुछ नहीं सुनना है मुझे। क्यों आए हो तुम यहाँ? तुम्हें इस बात का एहसास दिलाने कि हमारा रिश्ता भले ही एक मिसअंडरस्टैंडिंग से शुरू हुआ हो, लेकिन आज तुमसे बेहतर हमें और कोई नहीं समझता। और तुम समझते हो मुझे शेर? क्या समझने की कोशिश भी करते हो? सुरली, हम जानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। राइट, सारी गलती तुम्हारी है शिव। तुमने मेरा दिल जीता, भरोसा दिलाया कि मेरी भी एक फैमिली बन सकती है, मैं भी घर बसा सकती हूँ, प्यार कर सकती हूँ, शादी की, प्यार किया, लेकिन तुमने मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं किया। रिश्ते की बुनियाद ट्रस्ट होती है शिव, लेकिन तुमने रिश्ता, हमारा प्यार, सब कुछ एक मजाक बनाकर रख दिया। यहाँ तक कि तुमने मुझे जब तुमने सब कुछ खत्म कर ही दिया शिव, तो फिर क्यों आए हो यहाँ शिव? क्यों? सुरली, हमने जो कहा उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। प्लीज हमें माफ कर दो। तुमने जो कहा उसके लिए तो मैं माफ कर भी दूं शिव, लेकिन तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हें कैसे माफ कर दूं शिव? उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। प्लीज स्टॉप डूइंग ऑल दिस। प्लीज उठ जाइए। हमारा रिश्ता इतना भी कमजोर नहीं है सुरीली कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग की आंधी आई और सब कुछ बहा के लेके चली गई। और तुम भी क्या टिपिकल बीवियों की तरह बिहेव कर रही हो सुरीली। पति की बुरी चीजें याद है, लेकिन साथ में बिताए अच्छे पल याद नहीं, उसे भी याद रखा करो। तुमने जो कहा वो कहो तो भर जाएंगे शिव, लेकिन जो किया उसका क्या? अगर मैं आज तुम्हारे साथ वापस चली भी गई तो क्या शिव? हमेशा यही डर सताता रहेगा कि अगर फिर से ऐसा कुछ हुआ तो तुम तो यूं ऐसे उठाकर मुझे अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दोगे और पलट के भी देखोगे। नहीं शिव, मैं अपने आप को हर जलील नहीं कर सकती। मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो प्लीज जाओ यहाँ से। एक मिनट सुरीली, अपनी सफाई में ज्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे, बस इतना कह सकते हैं कि बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा, लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। अगर एक मौका देंगे आप तो हम सब कुछ ठीक कर देंगे। क्या ठीक कर दोगे राजकुमार जी? मेरी बच्ची का जो दिल तोड़ा है उसे ठीक कर दोगे? आप तो बहुत बड़े राजकुमार हो ना, हाँ, लेकिन हम गरीब लोग हैं जी, फिर आप हमारे घर पे क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। मासी एक बार हमारी सिर्फ बात सुन लीजिए, उसके बाद नहीं दे सकते कोई मौका शौका, नहीं सुननी है आपकी कोई भी बात, नहीं आता हमें बात करने का तरीका, न मुझे न मेरी बच्ची को। आप तो बहुत बड़े राजकुमार हो ना, है रॉयल्स हो, शांति से बात करते हो, लेकिन हम पंजाबी हैं, दिल खोल के बात करते हैं। हाँ जी, है हम बदतमीज, बाहर जाके सबको कह देना कि बड़ी बदतमीजी से हम लोगों ने आपको घर से बाहर निकाल दिया। जी, जब एक माँ अपनी बच्ची को विदा करती है ना तो उसका कलेजा भी निकल जाता है। कैसी हस्ती खेलती बच्ची सौंपी थी आपको, है क्या हाल कर दिया इसका। देखिए आप चलो, जाओ भाई जाओ, बस बहुत हो गया। शिवा प्लीज वापस चले जाइए, फॉर गॉड से प्लीज। तुम्हें लिए बिना हम कहीं नहीं जाएंगे, या तो तुम हमारी आंखों में आंखें डालकर हमें आई लव यू कहोगी, या तो हम फिर से मेहनत करेंगे और तुम्हें अपना बना लेंगे। सुरीली, सुरीली, सिल्ली, किसी रिश्ते में एक बार जल जाना ना भूल हो सकती है, लेकिन जानबूझ के बार बार जलना ना खुदकुशी होती है। पहले भी मैंने तुझे रोकने की कोशिश की थी लेकिन तू नहीं मानी, इस बार भी बस तुझे आगाही कर सकती हूँ। माँ से ही हूं ना, माँ तो नहीं हूं। आगे जैसे तेरी मर्जी। नजरें झुका लेंगी तो आंखें सच कहना बंद कर देंगी सुरीली। तुम्हारी आंखों में नजर आता है कि तुम हमसे कितना प्यार करती हो, और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। शिवेंद्र से बात हुई मान? माँ कई बार फोन ट्राई किया भैया का पर फोन नहीं उठा रहे। माँ कल की हेडलाइंस क्या होंगी सोचिए, रणकगढ़ की लव स्टोरी। पहले हमारे कुंवर शिवेंद्र बारोट मुंबई की एक कैफे वाली लड़की के लिए घर से गायब, फिर शादी के बाद लड़की गायब, और अब हमारे कुंवर साहब लवर बॉय अपनी बीवी को मनाने के लिए बिजनेस और फैमिली को असाइड कर कर मुंबई की गलियों में घूम रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। प्लीज राघवेंद्र भैया, शिवेंद्र भैया हम सबके बड़े भाई हैं, ये कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो आप क्या चाहते हैं, हम भी आपकी तरह उन पर पोएट्री लिख दें? और किससे क्या सॉर्ट करने गए भाई? उसी लड़की के साथ जिसकी वजह से आज हम ये हालात में हैं। भैया आपको एक बात बता दूं मैं, सुरीली भाभी ने ही जान के एक बहुत बड़े खतरे से बचाया हम सबको। अब हमारे कविराज वीर रस में भी लिखने लगे। आप हमें बताएंगे किस तरह की बात करनी? अरे मीडिया गला पकड़ रहा है हमारा। बस कीजिए आप दोनों, अब एक और शब्द नहीं। अरे माँ आप इन्हें समझाइए, हम कुछ गलत बात नहीं कर रहे हैं। सही भी तो नहीं कहा ना राघवेंद्र, मीडिया का नाम लेके अपनी भड़ास निकाल रहे हो आप। राघवेंद्र जी, मानवेंद्र जी, प्लीज काम डाउन, रानी माँ की बात तो सुनिए। रानी साहिबा, हम आपकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं, हम भी चाहते हैं कि सारी प्रॉब्लम शिवेंद्र जी के बीच में वो सॉर्ट आउट हो जाए। और हाँ, राघवेंद्र जी जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे। देखिए, बिजनेस और पर्सनल ये अलग अलग लाइफ होती है, और शिवेंद्र जी और सुरीली जी के बीच में जो चल रहा है वो उनका पर्सनल मैटर है। और पैप्स को तो आप जानती हैं, उनको तो मौका चाहिए किसी को भी बदनाम करने का। फिर हम हमारे कंपनी के इन्वेस्टर्स को क्या जवाब देंगे? आपने बिल्कुल ठीक कहा समर, हमें अपने पर्सनल और बिजनेस जिम्मेदारियां दोनों को निभाना होगा। नहीं नहीं, शादी हमारी हुई है, यहाँ रोमांस किसी और ही का चल रहा है। इनफ भैया, इनफ। आपको प्रॉब्लम क्या है शिवेंद्र भैया से? प्लीज बस कीजिए आप दोनों। समझ नहीं आता घर में क्या चल रहा है, जब देखो तब आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाइयां, डिसएग्रीमेंट्स। थक गए हम, प्लीज स्टॉप इट। सही कह रहे हैं सामेंद्र। राघवेंद्र जी, आप एक काम कीजिए ना, आप अपना गुस्सा कंट्रोल कीजिए। आप अब फ्रेश एयर ले लीजिए। फ्रेश एयर की जरूरत हमारे कवि साहब को है। पता नहीं किसकी नजर लगी है महल को। रानी साहिबा, अगर आप ही उम्मीद तोड़ देंगी तो फिर रणक का क्या होगा? सबको आप ही से तो हिम्मत मिलती है। आप चिंता बिल्कुल ना करें, कुछ नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। मैं हूं ना, एक एक करके सब कुछ खत्म कर दूंगा। आई मीन, एक एक करके सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर दूंगा। इसलिए भगवान ने मुझे यहां पर भेजा है। हेलो सैम, कहाँ यार? एक बहुत ही हैपनिंग क्लब की लॉन्च पार्टी है आज, आएगा? ऑब्वियसली यार, वैसे भी इस फैमिली ड्रामा से ब्रेक चाहिए हमें। हैव फन। या। जिस फैमिली ड्रामा से तुम भाग रहे हो सामेंद्र, वही तुम्हें फॉलो करेगा। I'll join you in the party. मुझे अपनी जिंदगी से निकालने का फैसला तुम्हारा था, मेरा नहीं। मैं बस वही कर रही हूँ जो तुम चाहते थे। चले जाओ यहाँ से, प्लीज प्लीज। सॉरी, I'm sorry। I'm sorry। जानते हैं नाराज हो तुम, और हक बनता है तुम्हारा। तुम्हें एक बार फिर से अपने प्यार में यकीन दिलाकर ही रहेंगे हम। आपकी लापरवाहियों को बचपना समझकर माफ करते आए हैं हम, लेकिन आपने आज गैर जिम्मेदारी की हर सीमा पार कर दी। शराब पीकर आए आप, भूल गए कि कौन है आप, रुतबा क्या है बारोट का। वो क्या कह रहे थे आप कि आप मिलकर हमारा दर्द बांट लेंगे, हमारा बोझ कम कर लेंगे। ये सब करके पहले ही मीडिया हाथ धोकर हमारे पीछे पड़े हैं, और आपकी इस हरकत ने हमें बदनाम करने का एक और मुद्दा दिया उन्हें। माँ जाने दीजिए ना, हो गई सैम से एक बार गलती, इस उम्र में गलती हो जाती है माँ, माफ कर दीजिए। इसी बात का डर है मानवेंद्र, इस उम्र में गलतियां नहीं गुनाह की राह पर चल रहे हैं सामेंद्र। उम्र से ज्यादा समझ और बुद्धि के लिए जाने जाते हैं बारोट, लेकिन देखिए इन्हें, और ये गलती आप भाइयों की है। आप सब भाइयों ने इन्हें बड़ा होने ही नहीं दिया। माँ हम सच कह रहे हैं, हमने नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स ही ऑर्डर की थी। बहाने बनाना बंद कीजिए सामेंद्र। पहला प्रश्न तो ये खड़ा होता है कि ऐसी जगह गए कैसे आप, और किसके साथ? इस घर की नौकरानी के साथ? आपके दोस्त बनने के लायक है वो? अब हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि इस स्थिति को कैसे संभाला जाए। रानी साहिबा आप प्लीज थोड़ा धैर्य रखें, इतनी टेंशन आपके सेहत के लिए अच्छी नहीं है। मैं संभालूंगा सामेंद्र को भी और इस सिचुएशन को, ट्रस्ट मी। नहीं समझ, हम अपने परिवार की जिम्मेदारी आप पर कैसे डाल सकते हैं? कैसी बात करे रानी साहिबा, घर का सदस्य कहा है आपने मुझे, तो जिम्मेदारी अभी मेरी हुई ना। और वैसे भी ये तो सब मेरे छोटे भाई जैसे। इंसान गैरों का कंधा तब ढूंढते हैं जब उसे अपने ही घर में कोई सहारा ना मिले। और वैसे छोटे भी जो हैं वो गलत रास्ता तब चुनते हैं जब उनके अपने उन्हें समझ ना पाए या उनकी बात ना सुने। शायद इसलिए सामेंद्र ने अपना अकेलापन दूर करने के लिए ऐसी जगह चुनी। रानी साहिबा इसमें किसी की गलती नहीं है, हालात जिंदगी है, उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मेरे पास एक आइडिया है। आपने कहा था ना कि हमने सामेंद्र को बड़ा ही नहीं होने दिया, क्यों ना हम इन पर बिजनेस की जिम्मेदारियां डाल दें। मेरा मतलब है कि अगर शिवेंद्र होते तो शायद वो भी यही करते, लेकिन अफसोस वो अभी है नहीं। अगर आपके आगे हो तो मैं उनकी जगह ले, मेरा मतलब है कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं सामेंद्र को बिजनेस के तौर तरीके सिखा सकता हूँ। आपका थॉट अच्छा है समर, पर शिवेंद्र भैया से ज्यादा काबिल और एक्सपीरियंस बिजनेसमैन पूरे गुजरात में नहीं है। हमें लगता है सैम के लिए शिवेंद्र भैया ही सही है। हमारे भाई को अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से फुर्सत मिले तभी तो वो सैम और बिजनेस पे ध्यान दे पाएंगे। माँ समर ने बहुत कुछ किया है हमारी फैमिली के लिए, आप हमसे पूछे तो सैम के लिए इनसे बेटर टीचर हो ही नहीं सकता। पर माँ शिवेंद्र भैया कौन सा हमेशा के लिए चले गए, आज नहीं तो कल वो वापस आ ही जाएंगे, तो सैम के लिए किसी और पर भरोसा क्यों? हम अब एक दिन की भी छूट नहीं दे सकते हैं सामेंद्र को। राघव ठीक कह रहे हैं मानवेंद्र। समर अपनी वफादारी का सबूत अपना खून बहाकर आप दे चुके हैं, हमें पूरा भरोसा है आप पर। हम आपको सामेंद्र की जिम्मेदारी सौंपते हैं। बस उन्हें सही रास्ते पर ले आइए। दमयंती बारोट, इस तरह तुम्हारे हर एक सपोर्ट को तुमसे दूर कर दूंगा। उसके बाद मिलेगी तुम्हें मौत और कोई नहीं होगा तुम्हारे पास। बाबा जी, क्या हालत हो गई मेरी बच्ची की, हंसना ही भूल गए ये तो। आ गई स्कूल से, कैसा था? मासी, आज मेरा एक स्पेशल गेस्ट आ रहा है। आप प्लीज मेरे लिए और मेरे फ्रेंड के लिए कुछ यम्मी यम्मी बना दोगी? ऑफ कोर्स, डाकू का हुक्म सराकू पर। क्या बनाना है बता? एक मिनट कुड़िए, अब तेरा कौन सा ये नया स्पेशल गेस्ट आ गया जो हमें भी नहीं पता है? ओहो पनामा, सरप्राइज भी कोई चीज होती है, जब आएगा तब आप खुद ही देख लेना। मासी, पनामा, मम्मा, प्रॉमिस करो मेरा फ्रेंड कोई भी हो, आप सब उनको घर में अलाउड करोगी? अच्छा ओके डन। अच्छा अब मासी को रेस्ट करने दो, खाना मैं बना दूंगी। नहीं नहीं, मैं ही बनाऊंगी, थोड़ा सा काम करूंगी तो माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा। आई फील बेटर। डाकू, क्या क्या बनाना है आपके दोस्त के लिए? फर्स्ट दाल मखनी। मुझे लत लग गई है दाल मखनी की। सेकंड मटर पनीर। मटर पनीर ये तो मैं रोज खा सकता हूँ, एनी टाइम। थर्ड बम्बईया स्पेशल चटनी सैंडविच। मुंबई के यम चटनी सैंडविच कहीं और मिल ही नहीं सकते। फोर्थ मोतीचूर के लड्डू चाय के साथ। आपको कैसे पता? बस ऐसे ही गेस किया। आप तो हो ही मेरी मैजिकल मासी। थैंक यू मासी, आई लव यू। आज तो हमारी नौकरी गई। रुको मीठी, यहाँ आओ। जी बहू रानी। क्या कह रही थी कल रात को? मजा मजा करना है तुम्हें कुंवर के साथ? रनक के राजकुमार के साथ पार्टी करने की औकात नहीं है तुम्हारी। इतने ऊंचे सपने कि हमारे बराबर खड़ी रहना चाहती हो। नौकर हो ये मत भूलना। चलो अपना बोरिया बिस्तर पैक करो और निकलो यहाँ से। माफ करना बहू रानी, मुझसे गलती हो गई। मेरी ड्रिंक पे किसी ने कुछ मिला दिया था, मैं सच कह रही हूँ। मेरे घर वालों के बारे में सोच के वो सड़क पे आ जाएंगे। That's your problem. Now get lost. रुको मिठी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम इस परिवार का बुरा नहीं चाहती और जो गलती तुमने की नहीं उसकी सजा तुम्हें क्यों मिले। तुम जाओ अंदर और ख्याल रखें अपना और सामेंद्र का भी। ओके How dare you? क्या था ये? इस महल की बहू है हम, यहाँ फैसले लेने का हक सिर्फ हमारा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बात काटने की? स्वाति लेखा जी, अगर हक जताना है ना, यहां से नहीं, यहां से जताया जाता है। तुम ये क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो। आप बैठेंगे तो समझाऊंगा मैं। प्लीज हैव अ सीट। मिठी का इस पैलेस से बाहर जाना हमारे लिए नुकसान है, फायदा नहीं। क्या कहना चाह रहे हो? हमने जो भी किया है सामेंद्र को इस कंट्रोवर्सी से दूर रखने के लिए। अगर मिठी बाहर जाकर उस बात को उगल दे तो लेने के देने पड़ जाएंगे, सारे किए धराए पे पानी फिर जाएगा। और वैसे भी अगर वो बाहर चली गई तो इसका मतलब वो हमारी जेब में नहीं, यानी कि सुरीली की साइड हो जाएगी। तो मैंने वही खेला गेम, गुड कॉप बैड कॉप। आई होप दैट्स ओके। वैसे इस साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही है। वैसे जब तुम हंसती हो ना तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। जितना चार्मिंग उतना ही डेंजरस है। समझ नहीं आता ये समर हलवा या चीज क्या है। सोचती रहो स्वाति लेखा जी, जब तक हम तुम्हें समझ नहीं आते तब तक समर का ये चार्म तुम्हें एक पल के लिए भी मुझसे दूर नहीं जाने देगा। हाय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वाओ शिव, क्या खुशबू है, लगता है खाना बन गया है। हाँ? आप आ गए। यस, हाई फाई। ये तो है मेरे स्पेशल गेस्ट और ये अब हमारे साथ ही रहेगी। नहीं नहीं, ये मेरा भी तो घर है और आपके गेस्ट भी तो आके रुकते हैं ना पनामा। हाँ? फिर मेरे गेस्ट को नहीं रख सकते? दिया सिली, समझा ले इसको, ये यहाँ नहीं रह सकता। पनामा प्रॉमिस तोड़ना अच्छी बात है क्या? आप पापा को प्रॉमिस तोड़ने के लिए ब्लेम करते थे ना? हाँ भाई करती थी, क्योंकि वादा तोड़ना बुरी बात होती है। तो फिर मैंने भी प्रॉमिस किया है प्रिंस अंकल को कि वो हमारे साथ रहेगी और अगर मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो मैं पापा के जैसे टूटी बन जाऊंगी। आई एग्री विद दिया, प्रॉमिस कभी तोड़ना नहीं चाहिए, एंड स्पेशली तब जब 7 फेरों का वादा हो, राइट? सुना आपने? चटनी बनाऊंगी मैं तेरी। नो, जब तक आप मेरी बात नहीं मानते तब तक मैं ना खाना खाऊंगी ना पानी पीऊंगी। डाकू, तू दिन ब दिन बदमाश होती जा रही है। नो मासी, मैं नहीं मानूंगी। ओके फाइन, आपका फ्रेंड यहाँ रह सकता है। प्रिंस अंकल, आप जाके फ्रेश हो जाइए, फिर खाना खाते हैं। मटर पनीर। गॉड ब्लेस यू। डाकू, अपने फ्रेंड से कहना कि थोड़ा सा स्टीम ले ले, बेटर फील करेगा। सुना आपने? हाँ सुना। आप भी अपनी मासी को कह दो कि थैंक यू। थैंक यू मासी, प्रिंस अंकल कह रहे हैं। ओह नो, ये तो मॉफ्ड वीडियो है। अगर ये लीक हो गया तो कोई विश्वास नहीं करेगा। ये वीडियो वायरल हो गया तो सब जान जाएंगे कि रणक का राजकुमार नशेड़ी है, ड्रग्स लेता है और अपनी रॉयल फैमिली की इज्जत बचाना चाहते हो तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। व्हाट? ड्रग्स? नो 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 नो, एक सेकंड, मैंने कुछ नहीं किया। आई डोंट नो अबाउट। इट्स ओके, अगर किया भी है तो इट्स ओके। नहीं मैंने नहीं किया। मैं रानी माँ से क्या कहेंगे? माँ ऑलरेडी हमसे नाराज है। अरे हम कुछ नहीं कहेंगे, डोंट वरी। और इसके बारे में डोंट टेक स्ट्रेस, मैं हूं ना। मीठी, तुम कामेंद्र, मेरा मतलब है तुम सामेंद्र का ध्यान रखो। ऐसी हालत में अगर इसने कोई गलत कदम उठा लिया ना, डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड, ओके? हम पैसे कहाँ से देंगे उसे? हम वहां से पैसे नहीं मांग सकते। और शिव भी है या नहीं है? छोटा भाई है ना तो मेरा, ये बड़े भाई का फर्ज है। कुछ नहीं होगा, पैसे देने पड़े तुम्हारा बड़ा भाई देगा। You don't worry, okay? Oh, तुम्हारा वीडियो थैंक्स डिलीटेड, ओके? ये तो बस शुरुआत है मेरे काम वेंद्र। अब तुम्हारे अंदर का यही काम तुम्हें डर डर की ठोकरें खिलाएगा। बड़ी आशिकी सूझ रही है ना? रुक जा मुंडे, पम्मी नाल पंगा लिया है, तेनू तो मैं दस दिया। ओके, ये नानी ने दिया है और ये मम्मा ने। ओके, थैंक यू सो मच डॉल। अंकल, जब से मासी आई है ना तब रोते ही जा रही है, लगता है उनका यह मन नहीं होता। आज उनके जब बट्टी हो जाए ना तब उनको लेके चले जाइएगा आप। पिंकी प्रॉमिस करो, पिंकी प्रॉमिस। या अब हम आपकी मासी को जरा भी नहीं रुलाएंगे, और अब आप हमारी हेल्प कर रही हैं तो हम मासी से पट्टी भी कर लेंगे और साथ ही साथ उन्हें यहाँ से लेके भी जाएंगे, ओके? Okay? लेकिन उसके लिए आपको मुझे किस करना होगा। आई सो क्यूट। श्योर अब बड़ी क्या मैं हूँ ना, आई हैंडल इट। कुछ नहीं होने वाला, बस प्रॉमिस मी वन थिंग, तुम्हें जो भी करना है ना चुपचाप करना है, बस जस्ट रिमेंबर दैट। क्योंकि अगर बाय एनी चांस मीडिया को ये बात पता चल गई, बेफिजूल की कंट्रोवर्सीज, और हमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, राइट? नो, एवरीथिंग बी ओके। थैंक यू सो मच। रुक जाइए, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप सैम को? वो नोट्स, वो दोस्त से नोट्स लेने थे। माँ ने बोला अकेले मत जाना, तो सैम आप हमसे बोल देते ना, हम ले चलते आपको, या फिर आप ड्राइवर के साथ चले जाते। समर को परेशान करने की क्या जरूरत है? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? आप लोग मेरे छोटे भाई जैसे हो, मैं क्यों नहीं हेल्प करूँगा? आई वुड लव टू हेल्प। हाँ, वो समर भाई उसी साइड जा रहे थे तो हमने सोचा साथ चले जाते हैं। भैया डोंट वरी, आज इसे लेकर जा रहा हूँ, कल तो मैं लेकर जाऊंगा। चले? या। See you man. See you भैया। बहुत दिल दुखाया ना तुमने मेरी बहन का। ये तीखी मिर्च उसी की सजा है। आ जाओ भाई, आ जाओ, खाना लग गया है। फनी लग रही हो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.